बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में अब पोस्टरबाजी का दौर भी चल रहा है। इसी बीच जहां एक तरफ आज आरजेडी की 24वीं स्थापना दिवस है, अब इस मौके पर जेडीयू की तरफ से स्पेशल गिफ्ट दे दिया गया है। ये स्पेशल गिफ्ट पोस्टर के रूप में आपको दिखेगा। पटना की सड़क पर पोस्टर्स लगाए गए हैं जिसमें साफ तौर पर तेजस्वी यादव को फेलस्वी बताया गया है, वहीं राष्ट्रीय जनता दल को राष्ट्रीय जालसाजी दल बताया गया है। इस वक्त हम इनकम टैक्स चौराहे पर खड़े हैं और यहाँ पर ये पोस्टर लगाया गया है जेडीयू की तरफ से। आप इसमें साफ तौर पर देख सकते हैं राष्ट्रीय जालसाज दल की जालसाजी के 24 साल, यानी कि आज 24वीं स्थापना दिवस है। 24 साल आरजेडी के कंप्लीट हो गए हैं। अब जिसको लेकर 24 संपत्तियों का खुलासा जेडीयू ने किया है, इसके पहले भी आपको याद होगा जब लालू यादव का जन्मदिन था उस दिन भी 73 संपत्ति का जो ब्यौरा था वो दिया गया था, वो खुलासा किया गया था जेडीयू की तरफ से। और एक बार फिर से आज जब राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना दिवस है, ऐसे मौके पर भी जेडीयू पीछे नहीं हटी और पोस्टर के माध्यम से 24 संपत्ति का खुलासा किया गया है। वहीं साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव को फेलस्वी यादव बताया गया है और सबसे पहले जो संपत्ति है वो है धनौत दानापुर में 45.72 डिसमिल है, फिर शास्त्री नगर में है जो कि पटना में है, गोला रोड दानापुर में 13.7 डिसमिल, गोला रोड दानापुर तीन जो इलाके हैं गोला रोड में वहाँ पर आरजेडी की जमीन है, वहाँ पर उनकी संपत्ति है, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी विशनपुर फुलवरिया चितकोहरा गर्दनीबाग फुलवरिया गोपालगंज चितकोहरा गर्दनीबाग चितकोहरा गर्दनीबाग, यानी गर्दनीबाग में चितकोहरा जो इलाका है वहाँ पर चार संपत्ति हैं। अलग अलग इलाकों की बात की जाए तो जलालपुर फुलवारी शरीफ फुलवरिया गोपालगंज, तो फुलवरिया गोपालगंज में तीन इलाका बताया गया है, एक जगह 10 कट्ठा, एक जगह 16 कट्ठा, एक जगह 2 कट्ठा। सेलार कला फुलवरिया में 5 कट्ठा 6 दूर, भागवत परसा फुलवरिया में 4 कट्ठा 8 दूर, हाजीपुर गोपालगंज में 3 कट्ठा 2 दूर प्लस बिल्डिंग भी है, चितकोहरा गर्दनीबाग में 3 कट्ठा और प्लस बिल्डिंग भी है, बन्या फुलवरिया में 21 कट्ठा और 3 दूर ज़मीन है, सगुना दानापुर में 3402 वर्ग फिट ज़मीन है, घनौत में जो दानापुर में है 8 कट्ठा 15 दूर ज़मीन है, पलंगा फुलवरिया में 2 कट्ठा ज़मीन है। तो ये 24 संपत्ति का ब्यौरा जेडीयू की तरफ से दिया गया है पोस्टर के जरिए। ये बताने की कोशिश की गई है कि आरजेडी ने सिर्फ ज़मीन ही बनाया है, सिर्फ संपत्ति ही बनाई है, जो बेसिक मुद्दे हैं उस पर काम नहीं किया है। जो लालू प्रसाद यादव का 15 साल का जो शासनकाल रहा उस दौरान जो बेसिक बिहार के विकास के लिए ज़रूरतें थी वो पूरी नहीं हुई, बल्कि लालू प्रसाद यादव ने संपत्ति ही बनाई है। 24 साल में 24 संपत्तियों का ब्यौरा दिया गया। इसके साथ ही 24वें स्थापना दिवस पर धन कुबेर फेलस्वी के 24 संपत्ति का उद्भेदन, ये तो झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है, फिल्म अभी बाकी है। तो साफ तौर पर आप इस पोस्टर में ये देख पा रहे हैं कि किस तरह से 24वीं स्थापना दिवस पर 24 संपत्ति का ब्यौरा जेडीयू की तरफ से पेश किया गया है। जेडीयू की तरफ से ये स्पेशल गिफ्ट आरजेडी को दिया गया है। आपको बता दें कि ये पहली दफ़ा नहीं, इससे पहले जब लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन था उस दिन भी 73वां जन्मदिन के अवसर पर जेडीयू की तरफ से पटना की सड़कों पर पोस्टर लगाए गए थे जिसमें 73 संपत्ति का ब्यौरा दिखाया गया था, वो भी एक तरह से स्पेशल गिफ्ट उनके बर्थडे के दिन दिया गया था, जहां जो दूसरी ओर जो उनके कार्यकर्ता हैं जो उनके नेता हैं वो लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे थे। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इस बार गरीब अधिकार दिवस के तौर पर मनाया गया, उनके जन्मदिन को नहीं मनाया गया बल्कि थाली और कटोरा बजवाया गया। तो ऐसी कई चीज़ें सामने आई जब बिहार विधानसभा चुनाव की बात की जाए, तो उससे पहले जो राजनीति है वो काफ़ी बढ़कर चढ़कर हो रही है, लेकिन इसी बीच पोस्टरबाजी जो है वो कम नहीं हो रही है। और ये महसूस कीजिए कि राजनीति जो है वो निचली स्तर पर चली गई है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष को उनके नाम को चेंज करके फेलस्वी बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें स्पष्ट हो रही है कि अब बिहार की जो राजनीति सरगर्मी है वो काफ़ी बढ़ गई है और साफ तौर पर जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं जेडीयू की तरफ से वो पलटवार के तौर पर लगाए जा रहे हैं। और आज जहां 24वें स्थापना दिवस है, एक तरफ जहां तेजस्वी दम भर रहे हैं मैदान में उतरने के लिए, लोगों को एकजुट करने के लिए स्थापना दिवस के अवसर पर ऐलान भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जेडीयू जो है वो पीछे नहीं हटती और पलटवार के तौर पर पोस्टरवार सामने आता है। तो पटना की सड़क पर पोस्टरबाजी खूब हो रही है क्योंकि विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में
वार पलटवार का दौर भी चल रहा है। और जहां एक तरफ पोस्टर में नेता प्रतिपक्ष को फेलस भी बताया जाता है, वहीं उनकी पार्टी को राष्ट्रीय जालसाज दल बताया जाता है। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त सहयोगी आकाश के साथ रजा शर्मा, न्यूज़ 4 पटना।